नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये चार्ट ऑफ द वीक का सेकंड एपिसोड है और यहाँ पर हम सेकंड वीडियो पे बात करने वाले हैं कि हम कौन से स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं जो हमें स्विंग ट्रेड है। ये बेसिकली जो हम चार्ट ऑफ द वीक लेकर आए हैं एक स्विंग ट्रेड्स के लिए लेकर आए हैं जो हम चाहते हैं कि हम एक दो हफ्ते के लिए होल्ड करें तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। जिस तरीके से मार्केट की अभी कंडीशन चल रही है तो हमें ज़्यादा स्टॉक्स नहीं मिल रहे थे और देखिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता कि हर सैटरडे को ही हमें वो स्टॉक मिलेगा जो हमारे परफेक्ट बाय लेवल पे होता है। ठीक है, तो मैंने दो स्टॉक्स सेलेक्ट करे हैं, जब हमारे वो उस लेवल पे आए तो हम अपने बाय पोजिशन उस पर बना सकते हैं। अभी जो दो स्टॉक्स हैं मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, प्लस हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि कौन से सेक्टर से कौन से स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं और जो मैंने पर्सनली रख रखे हैं मैं वो ही आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। मैंने कैसे स्टॉक सिलेक्शन करा था वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता दूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो आता है वो आता है APL अपोलो ट्यूब्स, जो मैं लेकर आया हूँ चार्ट ऑफ द वीक पे। इसके साथ जो कॉम्पिटिशन देने वाला स्टॉक था वो था पराग, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जिस तरीके से आप लोगों को यहां पर चार्ट पे लग रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर इसमें एक बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक फॉल आया, एक दोबारा अप मूव आई, एक सेकेंड टाइम फॉल आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, क्लोज नहीं करा एंड दोबारा एक मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, सो इस स्टॉक को हम कहेंगे ये स्टॉक हायर साइड पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और बुलिश है। ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा है कि हर डिप पे बाय करें या फिर 52 वीक हाई क्रॉस होने के बाद बाय करें। ठीक है, मैं जनरली यही स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूँ, या फिर मैं डिप पे बाय करने की कोशिश करता हूँ या फिर मैं 52 वीक जब क्रॉस हो जाता है तब मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है अराउंड 1900 से, और ये अभी जो 2200 के आसपास चल रहा है कोई बात नहीं, बट हम लोगों ने 2200 के आसपास चल रहा है, हमने 1900 से ऑलरेडी बाय पोजीशन इसमें बना रखी है। मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये स्टॉक मैंने क्यों रिकमेंड करा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो लोग सब समझ जाते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और ये पर्टिकुलर चार्ट पे अब जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो लेवल था, ये आप सबसे पहले फोकस करिए एक एक पॉइंट पे। इस ब्लैक कलर की लाइन पे फोकस करेगा, स्टॉक ऊपर गया, यहाँ इसे रेजिस्टेंस मिला, स्टॉक नीचे आ गया, ऊपर गया ब्रेकआउट दे गया, ब्रेकआउट देने के बाद जब दोबारा नीचे आया तो यहाँ पर इसने अब सपोर्ट लिया, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। ठीक है, दोबारा ऊपर गया फिर नीचे आया, इवेंचुअली इसको ब्रेक कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक करने के बाद हमने क्या देखा, जब दोबारा इस पर रेजिस्टेंस लिया वो इस लेवल पे लिया। ठीक है, अब इवेंचुअली इसे भी ब्रेक कर चुका है, तो अब हमने इस लेवल को तो स्टडी कर लिया, अब हायर साइड में स्टडी करते हैं। हायर साइड में क्या बता रहा है कि हायर साइड में रेजिस्टेंस था इस लेवल पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक करेक्शन आया था। दूसरा रेजिस्टेंस था ये वाले लेवल पर, जो आप येल्लो कलर का एक जोन देख रहे हैं ये वाले लेवल पर। अब इवेंचुअली इसको भी ब्रेक कर गया, ऊपर गया, नीचे आया इसी लेवल पे, इस येलो लेवल पे पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक करके जब नीचे आया यहाँ सपोर्ट लिया और दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि आप लोगों को समझ भी आए और अंडरस्टैंडिंग भी हो। अब इस ब्लू लाइन पर फोकस करिएगा, ये ब्लू लाइन पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल था रेजिस्टेंस का, यहीं पर जहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट हुई एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, वो भी ये ब्लू कलर की लाइन थी। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर की एक रेजिस्टेंस की लाइन थी जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नीचे आ गया, दोबारा ऊपर गया है, अब ये रेड कलर की एक लाइन हमें परेशान कर रही है। अब ये क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आपको इतनी बात समझनी है कि ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है, स्टॉक यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है, सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है दोबारा नीचे आता है, अब जो पहले रेजिस्टेंस था वो दोबारा सपोर्ट बन जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है और फिर यहाँ पर आता है। कंटिन्यूस ऐसे रैली चल रही है जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है, हाई को ब्रेक करता है, हाई पर सपोर्ट लेता है। आपको इजी से समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने इस लेवल पे अपनी बाय एंट्री बनाई थी, इस लेवल पे।
ठीक है, 1900 के आसपास। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि ये सबसे पहले ये रेजिस्टेंस था, ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक करा, यहाँ अब रीटेस्ट करके सपोर्ट ले चुका है, अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हमें वेट करना है। अब इसकी जो क्लोजिंग है, मैं क्लोजिंग बता देता हूँ, इसकी क्लोजिंग अराउंड है 2186 की। ठीक है, 2186 की है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये 300 रुपये ऊपर मिल रहा है बाय प्राइस से, कोई बात नहीं, आप अभी भी इस पर एक बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। इस लेवल पे नहीं, मैं लेवल बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है, जो लेवल बताया जाता है, जो चीज़ बोली जाती है कि उसको देखने के बाद ही बाय करिएगा, उसी को देखने के बाद बाय करिएगा। क्योंकि पुराने चार्ट ऑफ द वीक में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, मैंने आपको कहा था कि ये लेवल के ऊपर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी हम लोग बाय बना सकते हैं, बट उस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करी आप लोगों ने, तब भी उसमें बाय पोजिशंस बनाते रहे। सो इस वीडियो को और इस पर्टिकुलर स्टॉक को ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग प्रॉफिट टर्न कर पाएंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि स्टॉक का प्राइस नीचे मिल रहा है, शिवांश सर ने कहा है ऊपर जाएगा तो मैं नीचे ही बाय कर लेता हूं। जो लेवल इंपॉर्टेंट होता है वो लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा, तभी बाय करिएगा। ठीक है, अब लेवल आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जैसे ही जाएगा, जो कि लेवल आता है 2208 का जो लेवल है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम अपना एक बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और इसके ऊपर मुझे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अब 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए, मुझे डेली में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है उस बात को भी समझिएगा। इस ब्लू लाइन पे क्या हमें क्लोजिंग देखने को मिली इसके ऊपर? नहीं मिली। इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली ब्लू लाइन के ऊपर? नहीं मिली। क्या हमें इधर देखने को मिली क्लोजिंग? नहीं मिली। इसके ऊपर गया कल फ्राइडे को, इसके ऊपर गया बट क्लोजिंग मिली? नहीं मिली, दोबारा नीचे आ गया। ठीक है, तो अब हमें बाय नहीं करना है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। तो लेवल्स आप लोगों को बता दिए, उस लेवल के ऊपर आपको बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है। मैं थोड़ा सा जूम आउट और करता हूं। ठीक है, या अब इस पार्ट को समझिएगा, इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। ये क्या बता रहा है? ये लेवल था, ये लेवल रेड कलर की लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से क्या था, स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, इधर रेजिस्टेंस मिला और इधर से एक शार्प फॉल हुई। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? स्टॉक नीचे आ गया फिर ऊपर गया, ऊपर में इस लेवल से एक शार्प फॉल आई है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल आप देख पा रहे हैं कि इसी का हाई था, जो कि लेवल आ रहा है 2250 का। ठीक है, एक बार ब्रेक नहीं हुआ कोई बात नहीं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो जाता, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को एक ही शार्प मूव में ब्रेक नहीं करता, थोड़ा सा पॉज लेता है, थोड़ा सा हॉल्ट करता है तभी जाता है। तो पेशेंस होगा तभी आप लोग पैसा अर्न कर पाएंगे। अब ये लेवल जो मैंने आपको बताया ब्लू लाइन 2208 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए डेली में, आप अपनी बाइंग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इसका भी ब्रेक होने की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये भी इवेंचुअली फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझने वाली है। अब आप यहाँ देखिएगा, ये नीचे आया, ये देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो है। ये देख पा रहे हैं, एक डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉटम बन चुका है, ट्रिपल टॉप बन चुका है। ठीक है, अब इस ट्रिपल टॉप का एक इवेंचुअली ब्रेकआउट आ सकता है जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इस लेवल पर, यहाँ देखिएगा, देखिए इस पार्ट को समझिएगा आप, या इस पार्ट को देखिएगा, क्या इस ब्लू लाइन के ऊपर इसने यहां पर भी क्लोजिंग करी है? आप खुद देखिएगा इस लाइन के ऊपर किसने क्लोजिंग करी है। ये 2018 का चार्ट है गाइस, 2018 का, 2018 के ऊपर भी इसने अभी तक क्लोजिंग नहीं करी है ब्लू लाइन के ऊपर। तो हम लोग क्या अभी इतनी जल्दी बाय बना सकते हैं? हो सकता है कि दोबारा नीचे चले जाए, तो पेशेंस रखिए, 2208 के ऊपर जाए, क्लोजिंग कर दे एक बार ब्लू लाइन के ऊपर, हम अपनी बाय पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा उससे कि जो ट्रिपल टॉप बना है, ये देख सकते हैं, ये जो बना है, ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम के ऊपर जैसे ही ये जाएगा कैंडल बनाएगा, एक शार्प रैली आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट मिला हुआ है
और इवेंचुअली बहुत लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, ऊपर जाएगा, इसी लेवल पे दोबारा रीटेस्ट करेगा और एक बार दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए एक स्विंग ट्रेड सेलेक्ट करा है, बट ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे भी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने 1900 पे ही उसे बाय कर रखा है। ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा लोअर लेवल स्पेस पे अपनी बाय पोजीशन नहीं बनाई है। सो ये एक स्टॉक सिलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया है मैंने आप लोगों को। दूसरी बात, मैं एक बार मंथली चार्ट ओपन करता हूँ, उससे आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा इस लेवल पे, देखिएगा ये लेवल जो रेड और ब्लू है, आपको दोनों पास पे लग रही होगी क्या? इसके ऊपर हमें तक अभी तक हम लोगों को क्लोजिंग मिली 2018 से पहले का, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं 2018 से अभी तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। ठीक है, मंथ का भी एंड आने वाला है, और बाय चांस एक और अच्छी बात, अगर मंथ का एंड इसके ऊपर क्लोज कर जाए, मंथ का एंड की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड तो आप ले सकते हैं, बट अगर मंथ का एंड इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो इवेंचुअली बहुत बढ़िया लेवल्स आप लोगों को मिल सकते हैं। मैं लेवल्स अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए डिस्क्राइब करूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं इस वीडियो पे आपको कुछ पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी रिकमेंड करूंगा, तो मैं इसके आपको जरा लेवल्स डिस्क्राइब करता हूं। देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सिंपल एनालिसिस है लेवल्स डिस्क्राइब करने की। ये देख सकते हैं, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा है कब से, 2018 से लेकर 2020 का, आप देख सकते हैं कम से कम 2.5 साल से। ठीक है, 2.5 साल से ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो इस रेंज का लेवल क्या निकल के आता है, बॉटम का लेवल निकल के आता है 1050, एंड टॉप का जो लेवल निकल के आता है 2200। ठीक है, तो अराउंड आपको मैं बता के चलूँ तो 1200 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 1200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर मैं इसका मिड ले लेता हूँ, यानी कि 50 पॉइंट्स, सिर्फ मैं 50 पॉइंट्स लेकर चलता हूँ, तो 50 पॉइंट्स कितना हुआ 1200 का, 600 पॉइंट्स। तो यहाँ से जो मुझे एक रैली मिल सकती है अराउंड इस लेवल तक मिल सकती है। और मैं अगर इसका आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिखाऊं, क्योंकि मैं बेसिकली परसेंटेज पे काम करता हूं, क्योंकि मुझे परसेंटेज पे ही बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। या अब आप देखिएगा इसका जो रिटर्न है 25% का रिटर्न है। ठीक है, 25% का रिटर्न हमें मिनिमम मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर को आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये हमारा स्विंग ट्रेड के साथ, चार्ट ऑफ द वीक के साथ साथ हमारा एक पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। ठीक है, एक नेक्स्ट स्टॉक में और दिखा देता हूं, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट पोर्टफोलियो पे चलते हैं, जो कि है प्राज इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्राज इंडस्ट्रीज रिकमेंड करने का क्या रीजन था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहते हैं AB इक्वल्स टू CD पैटर्न। ठीक है, या ये एक फॉल आई, एक अपमूव आई और एक फॉल आई, ये वाली जो डिफरेंस था, इसका जो एक डिफरेंस था और जो इसका डिफरेंस है सिमिलर होता है, इसलिए हम कहते हैं जो ए और बी है, आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, मैं इसको डी बोल देता हूँ। ठीक है, सो ए बी की जो लेंथ है वही सी डी की लेंथ होती है, और उसके बाद से एक अपसाइड में रैली स्टार्ट होती है, और जो टारगेट्स होते हैं वो इस लेवल के होते हैं, जो कि बी लेवल होता है। ठीक है, अब हमें बाय इस लेवल पर तो नहीं करना, अब वो क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ इसके लिए, सॉरी वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, मैं डेली में भी जाऊँगा। ये एक मेरा चार्ट ऑफ द वीक का सेकंड स्टॉक था, बट इसको आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि अगर ये बाई चांस आ जाता है तो हम बाय बना सकते हैं, वरना ये मेरा शायद अगले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये शार्प फॉल आई, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, हायर हाइज बन रहे हैं, बट एक सेकंड में ये क्या कर रहा है, हायर हाइज नहीं, और जो हाइज हैं वो एक जगह कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये लेवल पे, अब इस लेवल पे ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मैं अगर इसका मंथली चार्ट ओपन करता हूँ, आया, अब इस पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा, एक शार्प फॉल के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है, ये देख रहे हैं कंसोलिडेशन में जा चुका है, तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 महीने तक ये कंसोलिडेशन में है। ठीक है, और इवेंचुअली जो इसकी हाइज है एग्जैक्ट सेम है, ये देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम हाइज है। अब ये जब लेवल ब्रेक होगा और मंथ का एंड भी आने वाला है, देखिए मंथ के एंड पे अगर क्लोजिंग मिलती है ना, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मेरे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ 62 के आसपास में इसमें मेरी बाइंग है,
और मैं इसका भी प्रॉफिट का आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसी ये लेवल ब्रेक होगा, जैसी ये लेवल, एक शार्प फॉल इस पर भी आ सकती है, ठीक है। और इसके टारगेट्स मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उस पर भी एक बुलिश वुल्फ वेव पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, या अब ये लेवल मैं अगर आपको बता दूँ तो ये लेवल है 71.50 का लेवल, 71 से लेके हम 72 मान लेते हैं, एक रिस्क नहीं लेते। 72 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है, क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा करिए इस बात को, ठीक है। कभी भी स्विंग में जाइए, कभी भी आप पोर्टफोलियो में जाइए, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, विक इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा 72 के ऊपर, तो लेवल्स जो मेरे निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूं। शार्प फॉल आई, स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी ना, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनती है, उसको ब्रेक करा और दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर कर चुका। अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूं, ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर कर चुका है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश वुल्फ वेव पैटर्न। और जो ये ब्रेकडाउन आता है ना, ये ब्रेकडाउन ये फोर्थ वेव में आता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव, ठीक है। फोर्थ वेव पे आ चुकी है, अब इसके ऊपर भी ट्रेड कर चुका है। हमारे लिए जो बाय बनता है वो इसी लेवल पे बनता है, बट हमें प्रिकॉशंस लेने हैं तो हम लोग इस लेवल के ऊपर ही बाय करेंगे। इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे तो मैं टारगेट्स अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट वेव और थर्ड वेव जो होती है उसको जब मैं लाइन को जोड़ के एक्सटेंड करते हैं तो इस लाइन को दोबारा छूती है, मतलब इवेंचुअली यहां तक ही जा सकती है, जो कि 100 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ठीक है। अब हम लोगों ने आपको दो स्विंग ट्रेड्स बता दिए, शायद अगर ब्रेक करता है अगले हफ्ते, इस हफ्ते के अंदर अंदर करता है तो शायद मेरा चार्ट ऑफ द वीक पे ही अगला हफ्ता स्टॉक बन सकता है। अब ये मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से एनालिसिस सिखाई है, कोई ज्यादा चार्ट का मैंने यूज नहीं करा, मतलब पैटर्न्स का यूज नहीं करा, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस थी। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो स्टॉक्स की जो मेरे पास है या फिर मैं सोच रहा हूं उन्हें बाय करने के लिए। अब देखिए गाइस, सबसे पहला आता है जो मेरा सेक्टर जिस पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बता देता हूं पोर्टफोलियो का मतलब मेरे लिए क्या, ठीक है। मेरे लिए पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। क्या लोग सोचते हैं कि 5 साल ले वो करे वो करे, देखिए लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है पोर्टफोलियो से। एक सेकेंड रुकिए, या पोर्टफोलियो से लोगों का मतलब क्या होता है, वो लोग सोच उनका होता है कि सबसे पहले वो टाइम ड्यूरेशन करते हैं कि मैं 1 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उनके मन में आता है कि मैं 2 साल के लिए बना सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं 5 साल के लिए बना सकता हूँ। लोग यही सोचते हैं, सबसे पहला डिसीजन आता है कि आप लोग कितने साल का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। हमारे मेरे मन में आया कि मैं 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का। अब क्या करते हैं वो लोग, उन लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन कर लिया अच्छे से, अच्छा परफेक्ट बाय लेवल उन्होंने निकाल लिया, उस बाय लेवल पे उन्होंने 20 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और अपना पोर्टफोलियो बना दिया। अब उन्होंने जब एम रखा हुआ है 1 साल का या 5 साल का या 2 साल का, तो वो लोग उन स्टॉक्स को देखेंगे ही नहीं। अगर वो 50% का रिटर्न दे रहा है तो भी उन्हें मतलब नहीं, उन्होंने तो 5 साल के लिए होल्ड करना है। अगर वो 50% का लॉस दे रहा है तो भी उन्हें होल्ड करना है 5 साल के लिए, या 20% का रिटर्न दे रहा है तो भी उन्हें होल्ड करना है। इस तरीके से पोर्टफोलियो पे मैं काम नहीं करता। मैंने आपको बहुत टाइम से बता रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं, मेरा एम प्रॉफिट का कभी भी नहीं रहा है, मेरा एम हमेशा रहा है और मेरी ट्रेडिंग जो रही है वो परसेंटेज पे रही है। मुझे अगर मेरा सेटिस्फाइंग परसेंटेज मिल जाएगा मैं वहां से निकल जाऊंगा, या फिर मेरा अगर टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे मैं एक स्टॉक को 10 साल के लिए भी रखना चाहूं, मैं एक टारगेट डिसाइड करता हूं। वो टारगेट आ जाएगा अगर वो 10 साल के लिए उस स्टॉक को मैंने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, अगर वो 4 महीने में दिखा देगा मैं उसे निकल जाऊंगा, ठीक है। मुझे वेट नहीं करना। वेट क्यों करना है आप लोगों को स्टॉक मार्केट पे, चाहे आप बोल रहे हो मुझे पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कभी भी मार्केट पे वेट नहीं करा जाता, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स पे मुझे अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उन पे इन्वेस्ट करिएगा, वो ज्यादा लॉस नहीं देते, वो ज्यादा नहीं गिरते। अगर वो ज्यादा नहीं गिरते ना तो वो ज्यादा रिटर्न भी नहीं देते हैं, ठीक है।
तो इवेंचुअली कुछ स्टॉक्स ऐसे हो जाते हैं जो अच्छा रिटर्न दे जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा होते हैं वो नहीं भी देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा अपना स्टॉक सिलेक्शन क्या है, मैं अगर आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक डिस्क्लेमर है, वॉच लिस्ट में रखिएगा, ट्रेड आप अपने रिस्क में करेंगे, क्योंकि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो लॉस मेरा है, अगर आप मेरा देखकर करेंगे तो लॉस आपका होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा सेक्टर फेवरेट अभी चल रहा है, और गाइस ये नहीं है कि मैंने अगर पोर्टफोलियो का नाम दिया तो वो एक डेढ़ साल के लिए है, मेरा जो सेक्टर है वो बदलते रहता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट पे एक सेक्टर एक साल तक नहीं चलता, वो 3 महीने में सेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक सेक्टर की परफॉर्मेंस अब स्टार्ट हुई है तो 3 महीने बाद दूसरे की स्टार्ट होगी, ये गिरना शुरू हो जाएगा, 3 महीने बाद तीसरी की स्टार्ट होगी तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को हर 3 महीने में चेंज करते रहता हूँ, या फिर मेरा परसेंटेज आ जाए मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। और मैं 20 शेयर रखता ही रखता हूँ, एक को निकाला तो मुझे दूसरे को रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो मेरा सबसे पहला सेक्टर जो मेरा अभी तक का फेवरेट चल रहा है, बदल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, अभी जो फेवरेट चल रहा है वो है आईटी, ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर, बेसिकली आईटी में सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अब इसमें से जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर रखे हैं दो, मैं सारे दो दो तीन तीन शेयर ही बताऊंगा। सबसे पहला है जेंसर टेक्नोलॉजी, ठीक है, नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं। सेकंड स्टॉक है रैमको सीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये दो स्टॉक्स मेरे फेवरेट हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैं TCS, इन्फोसिस, माइंडट्री, टाटा एलेक्सी, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे चार्ट में भी नहीं समझ में आता इतना, और मुझे पसंद नहीं था, ठीक है। मुझे स्टॉक्स वो चाहिए जो मुझे परसेंटेज वाइज रिटर्न दे सके, वो रिटर्न दे सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो रिटर्न नहीं देंगे, बट वो चल चुके हैं। अब मेरा काम है कि जो नहीं चले हैं, जो सेक्टर अच्छा कर रही है, जो नहीं चली है, उस पे ज़्यादा ध्यान दो और उसी पे काम करो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये मैंने स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट करे, क्या रीज़न था, अभी आप सिर्फ नोट करिएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सेकेंड आता है फार्मा, ठीक है, फार्मा में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं इसमें से जो मैंने स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहा है मैं उसमें से निकलने वाला हूं, तो मैं वो तो आपको नहीं बता रहा, अब कुछ में मैं रख रहा हूं। फार्मा भी अब ज्यादा मेरा अच्छा नहीं रहा सेक्टर कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी चलने लायक हैं और अभी भी चल सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि इन्हीं लेवल्स पे इन्हें बाय करना है, ठीक है, मैं अभी आपको स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूं कि ये स्टॉक्स पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इस पे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फार्मा में एडवांस एंजाइम्स, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, शायद मेरे से स्पेलिंग की इसमें गलत होगी। सेकेंड आता है सोर्स सेंट्रल, ठीक है, एडवांस एंजाइम्स, सोर्स सेंट्रल, एंड लास्ट जो मेरा है वो है ब्लिस, BLISS GVS, ब्लिस GVS, ठीक है। दो सेक्टर्स बता दिए, आईटी सॉफ्टवेयर में मेरे दो फेवरेट हैं, ये दोनों मेरे पास हैं, और इन तीनों में से ये वाला सोर्स सेंट्रल मेरे पास है, एडवांस एंजाइम्स मेरे पास है, ब्लिस में लेने की अभी सोच रहा हूँ, ठीक है। ये तो मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है, क्योंकि हर दिन 5% का अपर सर्किट ये लगा ही रहा है सोर सेंट्रल, और रैमको सीमेंट भी मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। और मैं शायद यूट्यूब पे मुझे याद नहीं होगा, बट मैंने किसी को रिकमेंड करा था, और जो मेरे प्रीवियस के थे जब मैंने ये स्टार्ट करा था तब भी मैंने उन लोगों को रिकमेंड करा था, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड सेक्टर पे, ठीक है, थर्ड सेक्टर कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा सेक्टर ही वाला तो कभी चेंज ही नहीं होता, ठीक है, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ही रहता है। थर्ड आ गया FMCG का, ठीक है, इस पे कौन से स्टॉक्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, नहीं, वो भी है मेरे फेवरेट, बट पराग मिल्क, ठीक है, VBL जिसे हम कहते हैं वरुण बेवरेजेस। थर्ड आ गया गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट,
ठीक है, फोर्थ आ गया, सॉरी ये तीन है अभी तक तो, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है, ये तीन है जो अभी तक के मेरे फेवरेट हैं। अब फोर्थ सेक्टर जो आ जाता है, फोर्थ सेक्टर आ जाता है केमिकल्स, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है अभी तक के लिए, जो मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ये वाला और आईटी, इन दोनों पे मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। सबसे पहला दीपक नाइट्रेट, ठीक है, सेकंड सुमी केमिकल्स, थर्ड सोलर इंडस्ट्री, फोर्थ नहीं यही तीन, ठीक है, ये तीन है जो मेरे केमिकल्स में। एक में हिमादरी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स भी इंक्लूड कर सकता हूँ, बट उस पर मुझे अभी तक ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। प्लस अब सेक्टर की बात ना करके जो मुझे और स्टॉक्स अभी पसंद आ रहे हैं, दो तो मैंने आपको बता दी, अपोलो ट्यूब्स, प्राज इंडस्ट्री, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एंड अगला आता है स्टॉक कंसाई नेरोलैक्स पेंट का जो है, ठीक है, कंसाई नेरोलैक्स जो पेंट की है, ये आ गया पीवीआर, और मैं आयोनॉक्स भी जोड़ सकता हूं, ठीक है, ये हो गए सिनेमा वाले। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन से शेयर होल्ड कर रखे हैं। ये वाला, ये दो स्टॉक्स मेरे होल्ड में है, एडवांस एंजाइम्स भी है, ये भी है, ब्लिस नहीं है जिसे मैं अभी बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, कंसाई नेरोलैक्स है मेरे पास, पीवीआर भी है, और पीवीआर मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर चुका हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर चुका हूँ, 1000 रुपये के लेवल से मैंने रिकमेंड कर रखा है इन लोगों को, और मेरे पास भी 1000 रुपये के लेवल से पड़ा हुआ है। VBL भी मेरे पास है, पराग मिल्क भी मेरे पास है, गोदरेज कंज्यूमर मैंने थोड़े टाइम पहले ही बाय करा हुआ है, ये शायद मुझे अभी लॉस दे रहा है, मुझे शायद चेक करना पड़ेगा। दीपक नाइट्रेट भी मैं बाय करने की सोच रहा हूँ, लेवल पे शायद आ चुका है। सुमी केमिकल्स अभी मैंने बाय नहीं करा, मेरे लेवल पे नहीं आया है। सोलर इंडस्ट्री में बाय कर चुका हूँ, ठीक है, सॉरी ये मेरे लेवल पे नहीं आया है, ये मेरे लेवल पे नहीं आया है, ये सारे स्टॉक्स में बाय कर चुका हूँ, ठीक है। अभी भी आप इस पर अपना रिटर्न कमा सकते हैं, स्विंग ट्रेड नहीं है, ये पोर्टफोलियो है, मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे मैं इसे साल भर के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए रख लूँ, तो नहीं, ठीक है, हो सकता है कि ये अभी 1 साल में इतना बढ़िया रिटर्न दे जाए, 2 साल में इतना भयंकर गिर जाए, ठीक है। तो मैं रिटर्न वाइज काम करता हूँ, मुझे एक स्टॉक पे 25% या 20% से ऊपर का रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे शायद ये सोर्स सेंट्रल 35% का रिटर्न दे रहा है, ये शायद अराउंड मुझे 35-40% का रिटर्न दे रहा है रैमको सीमेंट, तो मैं सब आपको दिखा देता हूँ, ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने नोट कर ली हैं, तो हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इनका एनालिसिस क्यों कर रखा है वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपने नोट नहीं करा तो पॉज करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आईटी, ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, सबसे पहला जो सेक्टर है वो है आईटी का सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इस पर मैंने सिलेक्शन क्यों करा, देखिए मेरे को टेक्निकल एनालिसिस, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहीं से पढ़ाई करी नहीं है शेयर मार्केट की, और मैंने कुछ ज़्यादा स्टडीज़ करी नहीं है, मैं अपने आप से सीखा हूँ, अपने आप से यूट्यूब्स देख के, न्यूज़ चैनल्स को देख देख कर ही मैं सीखा हूँ, ठीक है। तो मेरे को जो आता है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बता दूँ, मुझे सिर्फ चार्ट्स आता है, मैं चार्ट्स के भरोसे ही सब कुछ करता हूँ। अगर आप बोलो कि मुझे ऑप्शन सिखाओ, या अगर आप मुझे बोलो फ्यूचर सिखाओ, तो मुझे नहीं आता। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, मैं चार्ट्स के थ्रू ऑप्शन और फ्यूचर में भी पैसे कमा सकता हूं, बट मेरे को चार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है और मुझे वो आता है। अब मैं हल्के हल्के फंडामेंटल्स पे एंटर कर रहा हूं, तो फंडामेंटल्स पे एंटर करने के लिए मैंने क्या देखना शुरू करा है, जो मेरे को लगता है अपने हिसाब से। सबसे पहला कैश फ्लो, क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी सेल्स में जितना अर्न कर रही हो, जितना सेल कर रही हो, जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा रही हो, क्या उसके पास इनफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी अगर कैश का इनफ्लो है उसके पास, ठीक है। तो मैं कैश फ्लो में इनफ्लो देखता हूँ, क्या इनफ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है।
फंडामेंटल्स पे, कुछ नहीं सीखना हमें कि क्या पीई है, क्या बैलेंस शीट को ऐसे स्टडी करनी है, क्या वो करना है, कुछ नहीं। इतनी बात समझ गए। सेकंड, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ 2:1, ठीक है, ठीक है, मतलब कि अगर एक का, अगर आपके पास 2 लाख का डेप्ट इक्विटी है तो आपके पास 1 लाख का डेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं। थर्ड चीज हम लोग क्या देखते हैं कि उनके पास जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, मैं क्या देखता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इजी है, अपनी खुद की एनालिसिस करेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 20 शेयर का पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें से 2 या 3 शेयर ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, मैं आपकी ये बात नहीं कर रहा कि अगर आप ब्लू चिप में जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे छोटे शेयर्स पे ऐसे निकलेंगे कि आपको 10 baggers का रिटर्न देकर जाएंगे। और गाइस, मैं जनरली बहुत स्टॉक्स ऐसे कर चुका हूँ जिसमें मुझे 10 baggers का रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। सिंपल एनालिसिस, बिल्कुल क्लीन, कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता मुझे। करंट एसेट्स क्या ज़्यादा है करंट लाइबिलिटीज से, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक एज का, जो आपको पता होगा स्टॉक एज जो एक ऐप है उसके थ्रू आप सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। चौथी चीज़ मैं क्या देखता हूँ, जो मार्केट कैप है किसी भी कंपनी का, जो मार्केट कैप है क्या वो कम है करंट एसेट्स से, मतलब जो करंट एसेट्स है वो ज़्यादा हो अगर मार्केट कैप से, जो मार्केट की कैप है, कैपिटल है, मार्केट कैपिटल है, अगर वो कम होती है करंट एसेट्स से तो वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये कुछ 4 points हैं जो मैं जनरली देखता हूँ, ठीक है। और फिफ्थ चीज क्या देखता हूं कि ऑपरेशंस, कंपनी के जो ऑपरेशंस है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वो कैसा कर रही है, ठीक है। मुझे मतलब नहीं है कि वो शुरुआत के 5 साल, पहले के 5 साल में इतना घाटा कर रही है, इतना लॉस कर रही है, इतना वो कर रही है, सब कुछ कर रही है, मुझे मतलब नहीं है। करंट सिनेरियो में क्या कर रही है और उससे 1 साल पहले उसने क्या करा, मेरे को सिर्फ इतने से मतलब है। 5 साल पहले वो कंपनी की हालत नहीं होगी, अब उसने रिकवरी कर ली है तो क्या हम 5 साल के पुराने के बेसिस में थोड़ी ना जज करेंगे, ठीक है। क्लीन सिंपल एनालिसिस रखिएगा और तभी आप अर्न कर पाएंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, अपनी सिंपल एनालिसिस करिएगा तभी आप रह पाएंगे। ये 5 चीज़ों को नोट करिए, अभी नोट करिए। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे ढूंढा जाता है इसको, ठीक है। कैश फ्लो, इनफ्लो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, करंट एसेट ज़्यादा है कि करंट लाइबिलिटी से, ये देखा जाता है। मार्केट कैप देख लेते हैं उसके हिसाब से और हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा स्टॉक, अपने स्टॉक एच पे। स्टॉक एच पे मैं अब आ चुका हूँ, अब इस पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एल्कम लैब्स ही सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल हम लोग सोलर, ये कौन सा स्टॉक है, यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम सोलर इंडस्ट्रीज़ को ही सेलेक्ट करते हैं। अब आप इस पे आ गए, आपने स्टॉक के सर्च पे गए, स्टॉक के सर्च पे सीधा फंडामेंटल्स पे आ जाओ। यहाँ पर आपको बता देते हैं सेक्टर इंडस्ट्री क्या है, मार्केट की कैपिटल क्या है, ठीक है। मेरा मेन फोकस है टेक्निकल, टेक्निकल बढ़िया है तो एक बार आप फंडामेंटल पे झांक के देख सकते हो। मैं नहीं कह रहा पूरा भरोसा रखो इस पे, झांक के देख सकते हो, थोड़ा सा भी सही लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट कैप देखा तो 9,300 crores की है और EPS देख लिया तो 29 है। मुझे EPS से PE से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी स्टॉक का प्राइस ट्रेड कितने पे कर रहा है देखें जरा, स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है 1,000 rupees के लेवल के आसपास, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सीधा अपने फाइनेंशियल्स पे। ये एक बैलेंस शीट का ना चार्ट बना देता है, तो मैं बैलेंस शीट का चार्ट जब ओपन होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर या हम लोगों ने अपना इंटरनेट क्लोज कर रखा था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट का ना ये एक चार्ट ओपन कर देती है। अब आपको खुद पता चल रहा है 2015 से लेकर 2019 तक का है और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली बार्स हायर साइड में बन रहे हैं। अब बैलेंस शीट पे बढ़ते हैं, अब बैलेंस शीट हमें क्या बताता है वो सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद आप खुद अपनी एनालिसिस करिएगा हर स्टॉक्स पे और मुझे भी बताइएगा कि मुझे भी अगर कुछ मिलता है आप लोगों के थ्रू तो मुझे भी फायदा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है तो मैं एक बार दोबारा सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
या बैलेंस शीट ओपन हो गई है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे देखी जाती है, तो इस पर कैसे देखा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो शेयर फंड्स लिखे आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिख रहा है, ये दोनों इक्विटी का पार्ट हो गई, ठीक है, और ये जो करंट लाइबिलिटी दिख रही है ये हो गया डेप्ट का पार्ट, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद देखो कि 2019 में शेयर फंड कितना था 1238 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था 48। मैं अगर इसको प्लस कर दूं तो अराउंड 1300 अप्रॉक्स बैठ रहा है, 1300 करोड़ का इक्विटी, और करंट लाइबिलिटी मुझे क्या बता रही है 720 करोड़, तो ऑलमोस्ट आधी हो गई। मतलब 720 करोड़ का डेप्ट है तो उसके मुकाबले इक्विटी उन्होंने 13 करोड़ का है, तो डेप्ट और इक्विटी बिल्कुल बढ़िया है जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ मेहनत नहीं करनी आपको, कोई रेशियो नहीं निकालना, समझ में आ गया। यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब मैं नीचे आता हूँ। नीचे आया तो आपको देखना है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितनी है 720 करोड़, यहाँ नीचे करंट एसेट्स दिख रहा है वो कितना है 969 करोड़, तो क्या करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से? हाँ ज़्यादा है, तो इवेंचुअली कंपनी बेटर है, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट्स हैं 2235, ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कर एसेट्स भी इस कंपनी के पास ज़्यादा है और सारी चीज़ें बेटर कर रही है। पीएनएल पे आ जाते हैं, पीएनएल पे भी कुछ ज़्यादा खास मैं नहीं देखता, मैं सिर्फ नीचे देख लेता हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा चल रहा है या कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आप 2018 में देखेंगे तो 234 था, इस पर 277 है, और इवेंचुअली हमेशा ग्रोथ करी है इसने 5 साल में, तो मैं इसको भी एक हाथ दे देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो पे देखिएगा कि ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने बताया 254 करोड़ से बढ़ के ये हो गया 258 करोड़, ठीक है। तो हाँ मैंने इसे कहा कि चलो ये भी ऑपरेशन सही है, सही कर रही है, कंसिस्टेंट है, 200 करोड़ के ऊपर ही कर रही है। अब आते हैं इन्वेंट्री पे, कि इन्वेंट्री पे कुछ सडन चेंज हुआ है? हाँ, 174 करोड़ से माइनस में दिख रहा है क्योंकि ये निगलेक्ट होता है कैश फ्लो पर, तो 174 करोड़ से 198 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो शायद नेट चेंज में थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं 27 करोड़ का नेट चेंज था, अब 9 आ चुका है, तो ये इन्वेंट्री की वजह से, जो इन्वेंट्री में सडन चेंज आया है उसकी वजह से हमने कैश फ्लो पे थोड़ा बहुत चेंज देखा है, और प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना कैश है उसके पास, कैश भी जनरेट कर रही है अच्छी खासी कंपनी, ठीक है। तो मैं इसको कंपनी को एक यस बोल दूंगा कि हाँ ये इन्वेस्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो सारा जो आपको लेवल्स बताऊंगा, मैं जो लेवल्स आप लोगों को बताऊंगा, वो लेवल्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो लेवल्स आप लोगों के लिए ट्विटर पे प्लस मैं अपने इंस्टाग्राम पे वो सारे लेवल्स आप लोगों को लिखकर भेज दूंगा, ठीक है। इस लेवल पे ढूंढने पे वीडियो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, मैं अलग से एक पोर्टफोलियो की वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको सारे परफेक्ट लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रोवाइड करा दूंगा, और वहां पर आप पोर्टफोलियो का मजा ले सकते हैं। सो दो स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, प्राज इंडस्ट्री प्लस अपोलो ट्यूब्स, प्राज इंडस्ट्री को 72 के ऊपर, अपोलो ट्यूब्स को 2208 के ऊपर, बॉडी की क्लोजिंग, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को अगर मैं गाइज 2000 लाइक्स आते हैं सो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा सैटरडे को, और वहां पर हम अपना और अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और इसी के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।